नमस्कार। देखिए इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में। बीते 10 तारीख को रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ था और आगामी 13 तारीख को मतगणना होने वाला है। यहाँ के जनता है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो त्रिकोणीय समीकरण तैयार हुआ है रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर, उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या बीमा भारती का पलड़ा भारी नजर आ रहा, या शंकर सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा, या फिर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? आइए हम यहाँ के एक व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग बाबा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? शशि पासवान। देखिए कि बीते 10 तारीख को रुपौली विधानसभा उपचुनाव का मतदान हुआ था और जिसमें त्रिकोणीय समीकरण कहीं ना कहीं तैयार हुआ था और जिसमें कि शंकर सिंह का जो नाम है वो कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा, वहीं बीमा भारती का जो नाम है कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? कहने के लिए तो देखा जाए तो बीमा भारती अगर कुछ अपने क्षेत्र में बीते 10 वर्षों में जो विधायिका रह चुकी है तो कुछ वर्क अगर पब्लिक के नजरिए में हो, मतदाताओं के नजरिए में हो, तो वहां के मतदाता अपना विचार प्रकट कर सकते हैं उनके लिए, या कोई वर्क नहीं उनके हैंड से किया गया हो, उनके पावर में नहीं किया गया हो, तो संभवतः वो जगह पर नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि एनडीए का उम्मीदवार मंडल जी वो बीचों बीच निकल जाए। त्रिकोणीय समीकरण के तहत यानी शंकर सिंह वहां पर पहले भी विधायक थे और उनका पकड़ अच्छी रही थी और वर्क भी उनका उस रीजन में था बढ़िया, और हो सकता है कि शंकर सिंह भी निकलने का चांसेस या मंडल जी हाँ। बीमा भारती का क्या? बीमा भारती मैं तो कहा था कि अगर वो तो बीते 10 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा, अगर उनका वर्ग, मैं तो पूर्णिया का विधानसभा का निवासी हूँ हाँ। मैं तो रुपौली गया नहीं कभी हाँ। देखने के लिए, लेकिन वहाँ का क्या परफॉर्मेंस है बीमा भारती विधायिका महोदय का, पूर्व विधायिका महोदय का, ये तो वही बताएंगी या वहाँ के जनता बताएंगे जो वहाँ के मतदाता हैं उनके लिए। नहीं, अभी तक जो माहौल तैयार हुआ है, माहौल जो तैयार हुआ है तो कहीं ना कहीं ये शंकर सिंह प्लस मंडल जी इन दोनों के बीच में टक्कर चल रहा है, तो बीमा भारती मतलब कह सकते हैं वो बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। अगर उनका वर्क कहीं दिखाई दे रहा होगा तो ही कुछ परसेंटेज रखा जाए कि अगर वो आ जाएंगी नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है पिछले टाइम पप्पू यादव भी कहने को उनके समर्थन में आए थे, लास्ट मोमेंट में समर्थन उन्होंने दिया था, क्या उनके समर्थन का कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, क्या लगता है आपको? ये कुछ हल्का सा परसेंटेज दिखाई दिया हो पप्पू यादव जो इनका सपोर्टर वहां रुपौली से रहे, रुपौली विधानसभा से, तो ये कुछ पूरा भरपूर नहीं कहा जा सकता हो। अब पप्पू यादव में ना हो सकता है, सब पप्पू यादव नहीं हो सकता है, और बीमा भारती पप्पू यादव नहीं बन सकती है। पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, वो हर क्षेत्र में, हर कोने में, हर जगह से वो अपने पूर्णिया के लिए वो जाने जाते हैं जी हाँ। लेकिन उन्हीं के द्वारा लास्ट मोमेंट पर बीमा भारती को समर्थन किया गया है, तो क्या लगता है कि पहले जो पप्पू यादव जिनको समर्थन कर रहे थे या जो चर्चा आ रही थी कि समर्थन कर रहे थे, तो क्या उनका जो समर्थन है बीमा भारती को आया नहीं, या मतलब उनके समर्थन का असर जनता में पड़ा नहीं? क्योंकि लोकसभा में उनके साथ जो बर्ताव किया गया
शायद क्या लगता है उसको लेकर जनता खपा दी। इसलिए बीमा भारती को लगता है कि इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसी संभावना बन रही है क्या? जी हाँ। चलिए, क्या नाम है सर आपका? शशि पासवान। कहाँ से आप? प्रभात कॉलोनी पूर्णिया, वार्ड नंबर 19, पूर्णिया विधानसभा, केहार थाना अंतर्गत, पूर्णिया विधानसभा।